हेलो बच्चों, अ वार्म वेलकम ऑन बायोलॉजी बाय अमृत रावल। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर वी विल बी ट्राइंग टू टेक अप एज मेनी एज पॉसिबल इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम बायोलॉजी फॉर योर नीट 2022 एग्जामिनेशन। एंड आई विल बी मेकिंग यू ऑल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन विच आर वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन एग्जामिनेशन। Also, these questions are coming from many years in the NEET examination in a different pattern. ठीक है, थोड़ा modify कर देते language को, बाकी very similar kind of questions are being asked from these chapters. These kind of questions will be taking in the practice sessions. ठीक है, तो the most important MCQs for the NEET 2022 practice series starts today. It will be a chapter wise series. I will not be taking chapters from one to the last. ठीक है, इंस्टेड आई विल बी टेकिंग दो चैप्टर्स ऑन प्रायोरिटी, जो चैप्टर्स तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन वेटेज वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले चैप्टर मैं बायोटेक्नोलॉजी लेने वाली हूँ आज, तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिस अपन करेंगे। ऐसे करके जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे ज्यादा वेटेज वाले हैं, उन सब चैप्टर्स के एमसीक्यूज में तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। इन एमसीक्यूज के आंसर कीज मैंने एसोसिएट नहीं किए हैं इसके साथ में, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह साथ में तुम जैसे क्वेश्चन देखोगे और सॉल्व करोगे रीड करके, वैसे मैं भी साइमल्टेनियसली उसी समय क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करूंगी और हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या सेम है। ठीक है, व्हाट विल बी हैपनिंग, इससे ये एडवांटेज होगा कि जैसे जैसे वीडियो चलते आ रहा है मेरा, आप लोग भी साथ साथ में वो क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उसका फटाफट से आंसर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आया है, वो ऑप्शंस जब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ तब आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं भी आया तो अब आ जाएगा। ठीक है, सो आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू ऑल फर्स्ट थिंग कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ऐसे सीरीज के रिक्वायरमेंट है या नहीं, जैसे कि मैंने अभी ये लेक्चर अपलोड किया है। अलॉन्ग विद दैट मुझे ये भी कमेंट में लिख के दे दो कि मैम हमें नेक्स्ट ये चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसी दिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है, सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो दैट विल बी द बेस्ट वे फॉर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, वी कैन ऑल्सो मेक अ प्लानर, मैं एक प्लानर के हिसाब से भी चैप्टर्स प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, जैसे कि आप बोलो। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए मुझे आपका इनपुट चाहिए होगा कि वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, डू यू वॉन्ट मी टू मेक अ प्रॉपर शीट कि मैम ये डे के दिन ये प्रैक्टिस रखिए, ऐसा हमें शीट प्रोवाइड कर दीजिए। दिस कुड बी फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज दैट वॉट एवर चैप्टर आई फील वेर इज वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टेकिंग दैट एंड यू आर प्रैक्टिसिंग अलॉन्ग विथ मी, सिंस आई फील कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस पढ़ के खत्म कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, सो यू नीड अ वेरी गुड रिविजन नाउ इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस सेशन नाउ। बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेने वाले वन बाई वन। आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन विथ मी। ठीक है, एंड the questions will be NEET level questions. ठीक है, I will be taking some 60 MCQs today. Okay, so let's proceed. First question से देखते हैं। The multiplication of any alien piece of DNA in organism needs to be a part of chromosome as these chromosomes. ठीक है, एक alien piece of DNA को जब हमें multiplication करवाना है किसी organism में, तब उसे किस portion के अंदर associate करना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन की लैंग्वेज है। प्रोवाइड प्रोटीन फैक्टर फॉर रेप्लिकेशन, गिव्स एनर्जी यूनिट फॉर देयर सर्वाइवल, प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोवाइड प्रोटीन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए। इट विल बी प्रोटेक्शन, इट विल बी प्रोवाइडिंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसा साइट होता है जिस साइट के साथ अगर हमने जीन को लिंक कर दिया है तो हमारे जीन की कॉपीज ऑप्टेन हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर हमारे एलियन पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट तब कर सकता है जब हमने उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट के अंदर अटैच करवा दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, प्लाज्मिड यूज्ड टू मेक फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरियम। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया गया था वो कौन से बैक्टीरिया से लिया गया था? इकोलाय, साल्मोनिला टाइफीम्यूरियम, एग्रोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसका आंसर है साल्मोनिला टाइफीम्यूरियम, एस टाइफी से निकाला था हमने प्लाज्मिड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, और उन्होंने निकाला था फॉर द फर्स्ट टाइम एस टाइफी का एक प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड में उन्होंने
एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इंट्रोड्यूस करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ईकोलाई होस्ट के अंदर इंसर्ट करवा के रेप्लिकेट करवाया था। ठीक है, सो सेकंड था ये। थर्ड पे आते हैं, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मेक्स अ प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इट कैन कैरी फॉरेन जीन, इट इज रेजिस्टेंट टू हैवी मटीरियल, इट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, इट इज सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। An important factor which makes the plasmid act as a vector in the genetic engineering is, ठीक है, it can carry foreign gene, it is resistant to heavy metals, it is resistant to antibiotics, it is sensitive to antibiotics. अब यहां पर हमारे पास में vector respective बात हो रही है, ठीक है, तो plasmid का क्या ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में ताकि उसको हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकें। इट कैन कैरी फॉरेन जीन शुड बी द बेस्ट आंसर ओवर हियर, बट इसके अंदर एक और आंसर हमारे पास में थोड़ा हिंट वाला मैच करता हुआ रहा है, इट शुड पजेस सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, इट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, पर ये इसका डायरेक्ट आंसर नहीं होगा बच्चों, इसका आंसर ए ही होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू कैरी द फॉरेन जीन, इट शुड हैव द साइट वेयर द फॉरेन जीन कैन बी अटैच्ड, ठीक है, दिस शुड बी द वन प्रायोरिटी फैक्टर where we can see any plasmid can act as a vector, ठीक है, third हो गया, fourth पे आते हैं, genetic engineering is possible because, क्यों genetic engineering possible है, we can cut DNA at specific site by endonuclease like DNAs, ठीक है, restriction endonuclease is purified from bacteria can be used in vitro, the phenomena of transduction in bacteria is well understood, we can see DNA by electron microscope, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, restriction endonuclease is purified from bacteria can be used in vitro should be the answer, ठीक है, क्योंकि हमें जब DNA को कट करना होता है तो हमें चाहिए होते हैं मॉलिक्यूलर नाइफ्स, ठीक है, और मॉलिक्यूलर नाइफ्स किसको बोलते हैं हम लोग, हम बोलते हैं restriction endonuclease enzymes को, जो कि DNA को स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं और ये एक्टिविटी बॉडी के बाहर इन विट्रो भी अचीवेबल है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। फिफ्थ पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन द प्लाज्मिड डीएनए अदर देन इनिशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय, रेप्लिकेशन की प्रोसेस प्लाज्मिड डीएनए में कौन कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, प्लाज्मिड जीन, बैक्टीरियल जीन, नन ऑफ दीज, ठीक है, सो इट शुड बी प्लाज्मिड जीन इटसेल्फ, बिकॉज बच्चों बैक्टीरियल जीन जो है इट विल नॉट बी एबल टू हैव एनी कंट्रोल ओवर द प्लाज्मिड जीन, ठीक है, बैक्टीरियल जीन मीनिंग की क्रोमोसोमल डीएनए की बात हो रही है, एंड हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड डीएनए तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और नॉट डिपेंडेंट ऑन दी Not dependent on the chromosomal DNA, मतलब कि independent हो जाता है ये, independent of chromosomal DNA, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका dependency सिर्फ plasmid gene पे ही होगा, बाकी किसी पे भी नहीं होगा, okay? Sixth question पे आते हैं, कुछ questions tools of recombinant DNA technology से आ रहे हैं, अब gel electrophoresis is used for isolation of DNA, cutting of DNA into fragment, separation of DNA fragment according to size, construction of recombinant DNA by joining with cloning vectors. The answer should be C, because gel electrophoresis technique will be able to, we can say, isolate and separate the DNA according to the size. ठीक है, क्योंकि gel electrophoresis एक प्रकार का sieve है, छन्नी जैसा, और वहां पर साइज के हिसाब से डीएनए सेपरेट हो जाएंगे उस जेल के अंदर रन करते हुए, ठीक है, तो बड़ा जो डीएनए होगा वो पीछे पीछे रह जाएगा, छोटा जो डीएनए होगा वो आगे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सेवेंथ, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड वॉज, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा डिस्कवर हुआ था, दैट वॉज HIND2, ठीक है, HIND2 was the first restriction endonuclease which was discovered. इसका recognition site होता है GTTAAC. ठीक है, ये इसका recognition site होता है.
सॉरी टीटी जी ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सेवेंथ, एट्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है क्वेश्चन की, इसका आंसर 900 होगा, 900। इसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं, राइट। नाइन्थ पे आते हैं, द कन्वेंशनल मेथड फॉर नेमिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज फॉलोड इन केस ऑफ इको R1, द लेटर R विल इंडिकेट व्हाट। तो ई इज गोइंग टू बी इशरिचिया, मतलब की जीनस। सी ओ का मतलब होता है कोलाई, कोलाई इज स्पीशीज। आर का मतलब होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन होती है इशरिचिया कोलाई, स्ट्रेन का नाम है RY13, ठीक है, उसमें से आर लिया है हमने, तो इसका आंसर स्ट्रेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाइंड्स टू डीएनए एंड कट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब डीएनए में बाइंड करता है तो क्या कट करता है? एनी वन स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स, क्या वो दोनों हेलिक्स में से एक ही स्ट्रैंड को कट कर देता है? ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द बेस शुगर बॉन्ड, बेस और शुगर के बीच के बॉन्ड में कहीं कट क्रिएट करता है क्या? ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द बेस फॉस्फेट बॉन्ड, जो बेस और फॉस्फेट के बीच में कोई बॉन्ड है उसके अंदर कट क्रिएट करता है क्या? ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, क्यों? क्योंकि जब हम डीएनए की बात करते हैं तब हमारे पास मान लो न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे कि ए इधर है, टी इधर है, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में प्रेजेंट है ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, मान लो कि जी और सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, सी जी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, टी ए आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मैंने ये कहा बच्चों कि ये बॉन्ड कहाँ कट करता होगा, तो ये कट करता है ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में, मतलब कि ये जो ए और जी के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये तो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, इसी को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बॉन्ड के अंदर वो कट क्रिएट करेगा, ओके, सो इट विल बी डी। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं इलेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1। इको R1 कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करते हैं? इसको अगर आप लोगों को ट्रिक याद नहीं होती है तो मैंने अपने वन शॉट रिवीजन सीरीज जब करवाई थी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए, उसमें बायोटेक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है और वहां पर मैंने आप लोगों को इसका एक ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए, सो यू ऑल कैन रेफर दैट ट्रिक ऑल्सो। इसका आंसर अभी क्या होगा हम ये चेक करते हैं, तो ओके, इसका आंसर ए है, जी ए ए टी टी सी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है इको R1 का, ठीक है। बस बाकी यहाँ पर कोई भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसका नहीं है, ठीक है। ट्वेल्थ पे आता है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द, लिंक कैसे कर सकते हैं अपन? हमें हमेशा कीवर्ड्स देखने चाहिए, लिंकिंग बोला है इसने, जोड़ना, जोड़ना डीएनए लाइगेज, एकदम तुरंत आंसर आना चाहिए, ठीक है, आपको और कुछ दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनकी डिस्कवरीज दिए हुए हैं, ठीक है, देखते हैं ध्यान से। तो पहला हमारे पास दिया स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, आर्बर स्मिथ एंड नाथन, आर्बर हैमिल्टन स्मिथ और नाथन जो है ये तो नोबेल प्राइज विनर है 100%, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, आर्बर हैमिल्टन स्मिथ एंड नाथन, ठीक है, इनकी डिस्कवरी है, तीन साइंटिस्ट है, तीनों ने एक्चुअली अलग अलग काम किया था, HIND2 को डिस्कवर किया था, उसको कैरेक्टराइज किया था, उसके फंक्शन के बारे में बताया था, प्यूरिफाई किया था और उसका यूज बायोटेक में किया था, बहुत सारे काम इकट्ठे किए थे इन्होंने। फॉलबर्ग, ये फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, फर्स्ट RDNA बनाया था इन्होंने। तो बच्चों यहाँ पर आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक, यहाँ पर क्वेश्चन में ये पॉइंट थोड़ा गलत दिया हुआ है, इट शुड बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, ऐसा लिख के आना चाहिए था यहाँ पर, एंड फॉर्म फर्स्ट RDNA, फिर भी ये ऑप्शन मैच करता हुआ है। कैरी मिलिस PCR डिस्कवरी इन्होंने की थी, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया हमारे पास में, A का 2, B का 4,
सी का वन और डी का थ्री, इसका आंसर सी होगा. ठीक है, 14th क्वेश्चन पे आते हैं. मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको बोलते हैं? अभी मैंने बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर एबल टू कट द डीएनए. ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए. 15th क्वेश्चन पे आते हैं. द बैक्टीरिया यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बैक्टीरिया. ठीक है, तो इसको तो बिना देखे हम आंसर कर सकते हैं. 16th, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में हम सिलेक्टेबल मार्कर्स की मदद से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये वाला हमारा बैक्टीरिया जो ये ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए अलग है और ये वाला बैक्टीरिया हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. तो इस टेक्निक को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के थ्रू स्टडी करते हैं. इसका आंसर डी होना चाहिए. इसलिए रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मतलब कि ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, जिस बैक्टीरिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट. 17, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट, विच मीन्स मान लेते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारा प्लाज्मिड डीएनए जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करवा रखा है वो चला जाए. इसके लिए इस बैक्टीरिया के पास में क्या होना चाहिए? इस बैक्टीरिया के पास में कैपेसिटी होना चाहिए कि वो इसको एंट्री दे अंदर. ठीक है, तब ये एंट्री देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको हीट शॉक देते हैं बैक्टीरिया को ताकि इसमें अपर्चर्स बन जाए और ये एंट्री इसमें कर ले. इसके पहले हम इसका कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, CaCl2 से ट्रीटमेंट करवा देते हैं और उसके बाद में फिर हम इसे हीट शॉक देते हैं ताकि हमारा प्लाज्मिड आरडीएनए जो है वो होस्ट में चला जाए. ठीक है, तो देखते हैं क्या मैच करते हैं. शुड इंक्रीज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, शुड डिक्रीज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच द डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम. इसका आंसर सी होगा, क्लियरली मालूम पड़ रहे हैं. हम हमारे होस्ट को कॉम्पिटेंट इनफ बना रहे हैं ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपनी इनसाइड टेक इन कर ले. 18th क्वेश्चन, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट क्या सीन रहेगा? ठीक है, तो हम सबको मालूम होना चाहिए डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ सो मैनी फॉस्फेट बॉन्ड्स. ठीक है, सो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल बी मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, सो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट विल बी मूविंग टू द फारदेस्ट पॉइंट टूवर्ड्स द एनोड, दिस इज द करेक्ट पॉइंट. जितना छोटा होगा उतना आगे बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर सीव में फंसेगा नहीं. ठीक है, और जितना ज्यादा छोटा होगा उतना फास्ट स्टेट में मूव करेगा, मूव तो एनोड की तरफ ही करेगा. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी. 19th पे आते हैं, आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड इन इथिडियम ब्रोमाइड, ये एक स्टेन होती है जो कि हम जेल में मिक्स करते हैं. एक्सपोज टू यूवी लाइट दीज डीएनए फ्रेगमेंट अपियर एज व्हाट कलर बैंड? ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स. ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 100 टाइम्स इन योर नीट एग्जामिनेशन. 20th, the procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium is called as. Host bacteria में DNA को insert करने को क्या बोलते हैं? ठीक है, अब इसका answer क्या होगा? जिसका answer transformation होना चाहिए. हम एक non-transformant host के अंदर जब piece of DNA को introduce कर रहे हैं तो ये transformant host बन जाता है. ठीक है, तो इसका answer B होना चाहिए. 21, After completing the transformation experiment involving the coding sequence of enzyme beta galactosidase, the recombinant colony should. ये फिर से एक insertional inactivation का एक तरीका है. Selectable marker हम check करते हैं कि हमारे bacteria transform हुए हैं या नहीं, उसी का एक तरीका है. जो हमारे transformant bacteria होते हैं बच्चों इस केस में वो, और जो हमारे non-transformant bacteria होते हैं वो, दोनों कलर वाइज डिफरेंट कलर की कॉलोनीज बनाते हैं. ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियाज रहते हैं वो वाइट कलर की कॉलोनीज बनाते हैं और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियाज रहते हैं वो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाते हैं. अब ये क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर कंप्लीशन द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी शुड, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट क्या शो करेगा, गिव ब्लू कलर, नॉट गिव ब्लू कलर, हैव एक्टिव अल्फा गैलेक्टोसाइडेस, बोथ बी एंड सी. इट शुड नॉट गिव ब्लू कलर फर्स्ट पॉइंट,
and it should not have any active enzyme. Hereby, it should be B and C. Sorry, it should be B only. अब यहाँ इसने अल्फा कैल्क्योसाइटिस क्यों लिख दिया, यहाँ पे बीटा होना चाहिए था. अगर बीटा लिखता तो इसका आंसर बी ही होता. ठीक है, अल्फा लिख के क्वेश्चनर ने कंफ्यूज कर दिया. इसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा मुझे भी, क्वेश्चन सही तो टाइप हुआ है या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. 22. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स इन एनिमल्स. कौन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में? तो बच्चों एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, प्लांट की नहीं, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस की टेंडेंसी होती है कि वो नॉन कैंसरस सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, 23. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर मेकिंग द बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट. मैंने बताया था कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं अपन और हीट शॉक देते हैं. ठीक है, इसीलिए इसका आंसर बोथ ए एंड सी हो जाएगा सिंपली. नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरन डीएनए टू सेल. हमें एक फॉरन डीएनए को सेल में इंट्रोड्यूस करना है. स्पेसिफिकली नहीं पूछा, एनिमल सेल, प्लांट सेल, कुछ भी नहीं पूछा. तो हम क्या करेंगे, रैंडमली सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे. फिर हमें यूज डिसआर्म पैथोजन, ये हम करते हैं जैसे कि टीआई प्लाज्मिड वाले केस में करते हैं. माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, ये भी करते हैं हम एनिमल सेल के लिए. जीन गन, ये भी करते हैं हम स्पेसिफिकली प्लांट सेल के लिए. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. 25. टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर क्राउन गॉल बैक्टीरियम एंड सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस इश्चेरिचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम प्यूमीफेशियंस विब्रियो कोलेरी एंड टेल्ड बैक्टीरियोफेज डिप्लोकोकस एंड स्यूडोमोनास. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग माइक्रोब्स. फर्स्टली देयरफॉर वी विल एलिमिनेट द फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस इज नॉट अ माइक्रोब, इट इज गोइंग टू बी अ नेमाटोडा एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी द आंसर एट एनी कॉस्ट. स्यूडोमोनास, डिप्लोकोकस ये भी नहीं आता, विब्रियो कोलेरी भी नहीं आता, एश्चेरिचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो इट विल बी बी. नेक्स्ट पे आते हैं 26. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन. कहाँ का बॉन्ड ब्रेक करता है, ये क्वेश्चन हमारा आज आ चुका है. द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इट विल बी ब्रेकिंग, सो इट विल बी सी. सी वी कैन सी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, वी नीड टू बी वेरी अवेयर कि क्वेश्चनर क्या पूछ रहा है. एच ओ स्मिथ, Wilcox and Kelly working at Johns Hopkins University isolated and characterized the first restriction endonuclease which is called as, it is HIND2. First restriction endonuclease named as HIND2. ठीक है, then 28. Find the incorrect match. अब तुम लोगों को यहाँ पर sequences याद होंगे तो ही सही लगा पाओगे, तो ध्यान से देखते हैं. HIND2 GTTAAC मैंने कहा था, याद करो. ये तो wrong दिख रहा है मुझे. ये भी रॉन्ग है, सारे रॉन्ग है, ऐसे कैसे पॉसिबल. HIND2 BMH बनकर देखते हैं, ये तो सही है. SMA1 का देखते हैं, ये भी सही है. इन दोनों में ध्यान से देखना पड़ेगा. ठीक है, तो इको आर वन और HIND2 GTT, ये तो रॉन्ग दिया हुआ है बच्चों, ये मैं गलत बोल रही हूँ क्या? देखते हैं इसको एक बार वापस. इको आर वन का क्या सीक्वेंस है? AAGC. यही इनकरेक्ट मैच लग रहा है मुझे, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. और HIND2 का भी मुझे कंफ्यूजन है. इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर करके बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका रॉन्ग आंसर तो बी होना चाहिए, ए भी मुझे सही नहीं लग रहा. ठीक है, सो वी हैव टू चेक फॉर दिस नाउ. 29th. इफ मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इज टू बी एक्सपेक्टेड विच वेक्टर इज प्रेफरेबल. जब हमें ढेर सारी कॉपीज चाहिए तो हमें कैसा चाहिए होगा वेक्टर? वेक्टर शुड हैव न्यूमरस रेस्ट्रिक्शन साइट, वेक्टर्स हुज ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर, वेक्टर लैकिंग द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑल ऑल आर इनकरेक्ट. नहीं, जो वेक्टर के
अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई नंबर सपोर्ट करता है, हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करता है वो होगा। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि एक बैक्टीरिया जैसे इमेजिन करते हैं, तो ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, हमने कहा प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, तो ये प्लाज्मिड एक के दो हो सकता है इसके अंदर बैठे बैठे, और दो का चार भी बन सकता है, ठीक है, वन टू का फोर हो सकता है ये। तो प्लाज्मिड कितनी कॉपी बना सकता है, प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में रह के कभी कभी 100 कॉपी भी बना सकता है अपनी खुद की। तो मतलब आप सोचो कि 100 तो प्लाज्मिड है, जब इस बैक्टीरिया ने बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर दिया तब एक बैक्टीरिया जो बनेगा इससे उसमें भी 100 कॉपीज होंगी, दूसरा बनेगा उससे भी 100 कॉपीज होंगी, तो बहुत ज्यादा हाई कॉपी नंबर हो गया, क्योंकि हमारा प्लाज्मिड डिवाइड कर रहा है तो हमने जो जीन इसमें डाला होगा ऑफकोर्स वो भी डिवाइड करके रेप्लीकेट कर रहा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट शुड बी सपोर्टिंग हायर कॉपी नंबर 29 30। आइडेंटिफाई द एंजाइम एक्स एंड वाई, हमारे पास कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। चेक करते हैं, एक्स ये दिया है और वाई ये दिया है। एक्स एक ऐसा एंजाइम बच्चों जो कि कट कर रहा है डीएनए मॉलिक्यूल को, तो इट विल बी डीएनए कटिंग एंजाइम, ठीक है, इट विल बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए कट हो रहा है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये 100%, ठीक है। और अगला वाला वाई जो दिया है ये जोड़ रहा है डीएनए को, डीएनए जॉइनिंग लाइगेशन, इस एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेस ही होना चाहिए। तो इसका एक्स और वाई देखते हैं, अब एक्स अच्छा ओके, अब इन्होंने थोड़ा और खतरनाक कर दिया क्वेश्चन को हमारे लिए, सीक्वेंस ही लिख दिया यहाँ पर, GAATTC इज द सीक्वेंस ऑफ इको आर वन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इको आर वन, ठीक है, और डीएनए लाइगेस, सी इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस याद होना कितनी जरूरी बात है, तो ये चीज याद करने के लिए आप लोग मेरा बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का वो लेक्चर जरूर देख लेना, वन शॉट रिवीजन वाला 31। हाउ मेनी डीएनए फ्रेगमेंट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर डीएनए एंड अ सर्कुलर डीएनए विद अ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग 4 रिकॉग्निशन साइट्स इन बोथ द केसेस। एक तो हमारे पास लीनियर डीएनए, एक हमारे पास में सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया कि एक रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम दोनों ही केसेस में आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी 4 रिकॉग्निशन साइट्स, तो कितने टुकड़े होंगे। तो मान लेते हैं एक यहाँ पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसका, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इधर देखते हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। टुकड़े कितने बने देखो इसमें, 1 2 3 4 5, इधर देख 1 2 3 4, इसका आंसर होगा 5 and 4, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर लीनियर डीएनए को कट कर रहा है तो उसके जो फ्रेगमेंट बनेंगे वो एक नंबर ज्यादा होंगे सर्कुलर डीएनए की कट होने के कंपैरिजन में। 32, इन द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको आर वन, वॉट डज इको आर वन डिनोट्स, ठीक है। ई इज एस्चेरिचिया जीनस, सी ओ कोलाई स्पीशीज, R by 13 R strain, 1 is the number of isolation of that particular enzyme or sequence of discovery. It will be genus, species, strain, sequence of discovery. It will be A. ठीक है, next देखते हैं 33. Restriction endonuclease synthesize करता है DNA को, cut करता है, randomly cut करता है, specific site पे restrict करता है synthesis of DNA inside the nucleus. Specific site पे cut करता है क्योंकि वो palindromic sequence पे cut करता है, ठीक है। और पैलिंड्रोम वो सीक्वेंस होते हैं जो कि आगे और पीछे से एक समान रीड करे आ सकते हैं, जैसे कि GAATTC सीक्वेंस है इको आर वन का, तो यहाँ पर भी वो GAATTC ही होता है, ये 5-3 था तो ये 5-3 है। आगे और पीछे जब सीक्वेंसेस की सेम रीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। 34, प्लाज्मिड हैज बीन यूज्ड एज अ वेक्टर बिकॉज इट इज सर्क्यूलर डीएनए विच हैज कैपेसिटी टू जॉइन यूकैरियोटिक डीएनए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इट कैन मूव बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ऐसा भी नहीं है। बोथ द एंड शोज रेप्लिकेशन, इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसका आंसर डी होगा अभी, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंस होने के कारण से हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मिड को हम एक वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 35, what is true for the plasmid?
They are widely used in gene transfer. They are found in viruses. They contain gene for vital activities. They are main part of chromosome. ये तो क्रॉस कर दो क्योंकि वो मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में डीएनए है ही नहीं. वाइटल एक्टिविटीज के जीन वो कैरी नहीं करते, वायरस में वो नहीं पाए जाते. इसका आंसर ए होगा. 36. Which of the following cut the DNA from specific places? It will be बिना देखे E. coli नहीं. सॉरी, E. coli से ऑप्टेन किया हुआ रेस्ट्रिक्शन निकले दिखना. ठीक है चलो. 37. इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ कोर्स. 38. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए व्हेन द सेल डाइज. आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल्स. आर यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस. आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. जोड़ता तो है नहीं, क्रॉस कर दो. मैमिलियन सेल्स में प्रेजेंट कभी नहीं होता ये. इन विट्रो डीएनए बनाता नहीं है. इसका आंसर डी होगा क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस बैक्टीरिया खुद बनाते हैं जब उनके ऊपर कोई बैक्टीरियोफेज वायरस मतलब अटैक करता है. तब बचने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस नाम के एंजाइम्स बैक्टीरिया खुद बनाते हैं ताकि वो वायरस के जीनोम को कट कर सकें. ठीक है, और वो हमने उनसे एक्सट्रैक्ट कर लिए. 39. Which of the following is a reporter gene जो रिपोर्ट कर सके. रिपोर्ट कर सके सारे ही जीन्स यहाँ पर रिपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि ऑल ऑफ दीज जीन्स आर अपियरिंग टू बी काइंड ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स. ठीक है, इसमें ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन हो सकता है, कैट क्लोरम फिनिकॉल एस्टाइल ट्रांसफरेस सारे हो सकते हैं बच्चों. 40. पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड इज यूज फॉर. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. PEG जो ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, दो प्रोटोप्लाज्म को. ठीक है, तो दो प्रोटोप्लाज्म को ज्वाइन कर दोगे अगर तो अपने आप दो डीएनए ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि वो अटैच होंगे. तो जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर. इसका आंसर होगा बी. 41. प्लाज्मिड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर इजिली अवेलेबल, एबल टू इंटीग्रेट विद होस्ट क्रोमोजोम, able to replicate along with chromosomal DNA, contain DNA sequence coding for drug resistance. Answer फिर से selectable marker वाला होगा D. The letter B and R in the PBR322 represents what? PBR322 का नाम है plasmid, Bolivar, एंड रॉड्रिगेज. ये बॉलीवर और रॉड्रिगेज नाम के दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका आंसर होगा नेम ऑफ द साइंटिस्ट. 43. टी डीएनए कहाँ पर पाया जाता है. टी डीएनए इज द ट्यूमर डीएनए फाउंड इन ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नेम बैक्टीरिया. ठीक है, सो 43A. कॉस साइट ऑफ द कॉस्मिड आर डिराइव्ड फ्रॉम. कॉस साइट लैम्डा फेज वेक्टर से डिराइव करते हैं बच्चों. कॉस्मिड बेसिकली लैम्डा फेज वेक्टर के एडहेसिव कॉस साइट ले लेते हैं अपन, और प्लाज्मिड इन दोनों को ज्वाइन करके कॉस्मिड बनता है. ठीक है, जो कॉस्मिड है ये एक ह्यूमन से ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ आर्टिफिशियली ड्राइव किया हुआ वेक्टर है. 45. Restriction enzymes cut the strands of DNA a little away from the center of palindromic site, but between the same two bases on the opposite single-stranded strands. These overhanging stretches are formed on each strand. They are called as what? Questioner ये पूछ रहा है. इसमें आपको ये image से दिखाती हूँ जो अपन ने देखी थी थोड़ी देर पहले, ये वाली. यहाँ पर पूछ रहा है कि same दो nucleotide के बीच में cut create कर रहा है एक restriction enzyme. ठीक है, मान लो जी और ए के बीच में कट क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, और इधर भी जी और ए के बीच में कट क्रिएट कर रहा है यहाँ पर. इधर एरो रॉन्ग बना हुआ कि नहीं, रॉन्ग बना हुआ, सही तो है. ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एक ऐसा टुकड़ा हमारे पास में आ जाएगा
एक ऐसा टुकड़ा हमारे पास आ जाएगा, एक ऐसा टुकड़ा हमारे पास आ जाएगा और एक ऐसा टुकड़ा हमारे पास में आ जाएगा। तो ये जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस प्रेजेंट है ना यहाँ पर, जो एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करने की एफिनिटी ऑलरेडी रखेंगे, क्योंकि इनके टी और ए के बीच में पेयरिंग होती है, टी और ए के बीच में होती है, ए और टी के बीच में, ए और ए टी के बीच में, तो इनकी ऑलरेडी एक दूसरे के प्रति अफाइनिटी है। इन अफाइनिटी वाले स्टैंड्स को हम ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन और क्या पूछ रहे हैं वापस देखते हैं। द क्वेश्चन इज आस्किंग ऐसे एंड्स को क्या बोलते हैं, इनको हम स्टिकी एंड बोलते हैं बच्चों। स्टिकी एंड का मतलब होता है जो आसपास में अटैच होने की टेंडेंसी रखे। ब्लंट एंड तो हम इनको नहीं बोलते, स्टैगर्ड एंड, स्टैगर्ड एंड भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट टेंडेंसी स्टैगर्ड एंड में भी होती है। इसका आंसर होना चाहिए इसलिए बी एंड सी दोनों, स्टैगर्ड एंड्स स्टिकी एंड्स विल बी द वन एंड सेम थिंग। ठीक है, और ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। 46, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंड ऑन न्यूक्लियस इज रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, दीज फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड एज, इट विल बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 47, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू रेडिएशन, फिर से हमने देखा था इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी लाइट। 48, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि नेचुरली जानता है अपने एक छोटे से जीन को प्लांट सेल में ट्रांसफर करवाना, उसका नाम होता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, और उसके पास में टीआई प्लाज्मिड होता है इस एक्टिविटी को करवाने के लिए, और जिस जीन को वो ट्रांसफर करवाते हैं उसका नाम होता है टीडीएनए, ताकि प्लांट सेल में ट्यूमर इंड्यूस कर सके वो। ठीक है, 49, द टेक्निक इन विच अ फॉरन डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड ऑन सर्फेस ऑफ टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल एंड शॉर्ट इन टू टारगेट सेल इज नोन एज, गन जैसा हो गया कुछ, माइक्रो इंजेक्शन नहीं हो सकता, केमिकल मीडिएटेड गन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोपोरेशन में नहीं है, बायोलिस्टिक, इसी को बोलते हैं जीन गन, इसका आंसर होगा बायोलिस्टिक से या जीन गन। 58 क्वेश्चन है, ऑल आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम टैक पॉलीमरेज एक्सेप्ट, टैक पॉलीमरेज थर्मोफिलस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से डिराइव किया हुआ एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। क्या ये टैक पॉलीमरेज आपने सुना है नाम, थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में रहना पसंद करते हैं, बहुत गर्म एनवायरमेंट में भी वो स्टेबल रह सकते हैं, इट इज अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो जो बैक्टीरिया इतने हॉट एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पा रहा है तो उसके एंजाइम्स भी कर ही पाते होंगे ऑफकोर्स, इसलिए थर्मोस्टेबल है, तो ये बात तो सही है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया कॉल्ड एज थर्मस एक्वाटिकस, बोल सकते हैं येस। इट इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सही है। थर्मोस्टेबल आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, इसीलिए इसका आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो द आंसर विल बी फोर्थ। 51, दैट अपटेक ऑफ जीन्स बाय सेल्स एंड माइक्रोब्स इज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ट्रांसफेक्शन अपन टर्म यूज करते हैं यूकैरियोटिक सेल के लिए, अगर कोई यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए इंसर्ट कर दिया तो ट्रांसफेक्शन कर दिया ऐसा बोलते हैं, प्रोकैरियोट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। 52, नोबेल प्राइज इन 1978 फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टेक्नोलॉजी वॉज गिवन टू आर्बर नाथन एंड स्मिथ। 53, हाउ डज द बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास में दो मैकेनिज्म होते हैं, या तो वो वायरस के डीएनए को काट दें, ठीक है, और ऐसा भी वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या तो वो खुद अपने डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें ताकि डीएनए का मिथाइलेशन हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन है, बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप टू एडिनिन एंड साइटोसिन, बाय एडिंग हिस्टोन टू डीएनए, ऐसा तो कुछ नहीं है, फॉर्मिंग न्यू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इससे कोई फायदा नहीं, क्लोज डीएनए इससे फायदा नहीं, इसका आंसर ए है, डीएनए को मिथाइल ग्रुप ऐड करके मिथाइलेटेड डीएनए बना देगा वो, ताकि वो डीएनए जो है रेप्लीकेट ही नहीं करेगा, किसका, बैक्टीरिया का। 54, मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एंड इंसर्ट साइज, ठीक है, ये कुछ वेक्टर्स दिए हुए एनसीआरटी के बाहर कंटेंट है ऑफ कोर्स, वाई ए सी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बी ए सी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कॉस्मिड बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड, वाई ए सी सबसे बड़ा जीन इनकॉर्पोरेट कर पाते, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वाई ए सी का बहुत इस्तेमाल हुआ था, इसका आंसर यही है।
BAC 300 तक, 300 किलोबाइट अप्रोक्सीमेट, ये वाला भी आंसर इसी का है। कॉस्मेट 45 के आसपास तक, 33-47, ये भी इसका आंसर है। बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज 7-13, बैक्टीरियोफेज 9-22 हो जाएगा, प्लाज्मिड 10 से 10 के आसपास होता है। बच्चों इसका आंसर 1 का 1, 2 का 2 ऐसा दिया हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं, ये रहा ए का ए, बी का टू, सी का है, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ये होगा इसका आंसर डी। 59, द ईयर 1963 टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड, वो कौन कौन थे? मैंने कहा जैसे कि मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, का आंसर सी होगा। 60, एक्सोन्यूक्लियस आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विच कट डीएनए इंटरनली कैन डिस्ट्रॉय बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एब्सेंट बिटवीन रेयरली आइडेंटिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स। इसका आंसर बी होना चाहिए। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए और आरएनए दोनों को कट कर सकते हैं, बाहर बाहर से कट करना है ना, क्योंकि इसलिए लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है चलो, तो इतने ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ आज मैं, 60 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। और अगली बार जो मैं स्लाइड्स बना के तुम लोगों को प्रेजेंट करूंगी उसमें मैं ट्राई करूंगी कि मैं 50 वही क्वेश्चंस लूँ जो कि तुम्हारे आ चुके हैं या आते हैं, और वी विल बी ट्राइंग टू टेक द PYQs मोर। ठीक है, सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। बच्चों दिस वॉज द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस MCQs प्रैक्टिस सेशन फॉर द नीट 2022 एग्जामिनेशन। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। Please don't forget to attend the test along with me and don't forget to like, share and subscribe the channel Biology by Amrita Raval. Thank you so much for watching the lecture.